ओके जी, तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राम सेन ने कहते हैं क्रिस्टल वायलेट जो है दैट इज द प्राइमरी स्टेन, और क्रिस्टल वायलेट के यूज से पहले हम अपने स्मेयर को फिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड द हीट फिक्सिंग। और फिक्सिंग का पर्पज ये है कि व्हेन वी हैव टू वॉश द स्लाइड ड्यूरिंग द ग्राम सेनिंग, तो वॉशिंग से बचने के लिए। ओके जी, तो बेसिकली जब व्हेन द स्लाइड इज फिक्स्ड देन हम स्लाइड को क्या करते हैं कि फ्लड करते हैं क्रिस्टल वायलेट के साथ। अब फ्लडिंग जो है ड्यूरिंग फ्लडिंग द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल अब्सॉर्ब द क्रिस्टल वायलेट। ओके, एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट वी विल यूज द आयोडीन। आयोडीन इज अ मॉर्डेंट, और मैंने बताया था कि मॉर्डेंट इज अ सॉल्यूशन व्हिच एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ प्राइमरी स्टेन और द प्राइमरी डाई। और क्रिस्टल वायलेट जो है आयोडीन के साथ मिलकर सीवीआई कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। एंड क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो है दैट रिटेन इन द ग्राम पॉजिटिव सेल्स ड्यूरिंग द वॉशिंग, बिकॉज जब हमने वॉशिंग करनी है तो वॉशिंग के दौरान हमने एक्स्ट्रा क्रिस्टल वायलेट को रिमूव करना है। अगर मॉर्डेंट या आयोडीन का यूज नहीं करेंगे तो सारे का सारा क्रिस्टल वायलेट रिमूव हो जाएगा फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो हम क्या करते हैं कि आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि क्रिस्टल वायलेट के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये एक लार्जर कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज कॉल्ड सीवीआई कॉम्प्लेक्स। तो जब हम वॉशिंग करते हैं तो ड्यूरिंग वॉशिंग दैट कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से रिमूव नहीं हो पाता, और इस वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो क्रिस्टल वायलेट प्रेजेंट होने की वजह से हमें पर्पल नजर आते हैं। अब चूंकि ये सीवीआई कॉम्प्लेक्स जो है सीवीआई कॉम्प्लेक्स रिटेन नहीं करता ग्राम नेगेटिव के अंदर, सो ग्राम नेगेटिव में वॉशिंग के दौरान या अल्कोहल से डिकोलराइजेशन के दौरान ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में से क्रिस्टल वायलेट सारे का सारा रिमूव आउट हो जाता है। ओके, और उसके बाद हम अप्लाई करते हैं काउंटर स्ट्रेन दैट इज द सैफ्रोनिन। अब जो कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जगह ही नहीं है सैफ्रोनिन के स्टेन होने की। अब सिर्फ सैफ्रोनिन स्टेनिंग करेगा ग्राम नेगेटिव सेल्स की, और ग्राम नेगेटिव सेल विल लुक लाइक द पिंकिश इन कलर। कीप इन माइंड जो ग्राम जो क्रिस्टल वायलेट था, क्रिस्टल वायलेट ने सिर्फ स्टेन किया है ग्राम पॉजिटिव को, एंड सेफ्रानिन हैज एबिलिटी टू स्ट्रेन ऑल द सेल, इधर दे आर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, इस सारे सेल्स को स्ट्रेन करने की एबिलिटी रखता है। इसी वजह से हमने पहले क्रिस्टल वायलेट से स्ट्रेन कर लिया और ग्राम पॉजिटिव सेल के अंदर अब क्रिस्टल वायलेट मौजूद है, अब सेफ्रानिन अब्जॉर्ब होने की जगह नहीं है, इस वजह से हमें सिर्फ पिंक कलर के ग्राम नेगेटिव सेल नजर आते हैं। अदरवाइज सेफ्रानिन हैज द एबिलिटी टू स्ट्रेन ऑल द सेल, इधर दे आर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। क्लियर? एनी क्वेश्चंस इन ग्राम स्टेनिंग? खवातीनों हजरात, कोई सवाल नहीं है तो वी मूव फॉरवर्ड इन ग्राम स्टेनिंग। यस फिदा, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। सर मींस के ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में सेफ्रोनिन ही यूज करेंगे, ये इसके अलावा और भी है? नहीं, देखें आप मेरी बात समझें, सेफ्रोनिन इज अ काउंटर स्ट्रेन, हमने एक किस्म के सेल्स को स्ट्रेन कर लिया है क्रिस्टल वायलेट के साथ, दूसरे किस्म के सेल्स रह गए हैं उनको हमने स्टेन करने के लिए सेफ्रोनिन का इस्तेमाल किया। अब अगर हम इस प्रोसीजर को थोड़ा सा चेंज कर लें, मिसाल के तौर पे हमने पहले क्रिस्टल वायलेट यूज किया, हम वो यूज ना करें, पहले सेफ्रोनिन के साथ समेयर को एक्सपोज कर दें, तो दोनों ग्राम पॉजिटिव सेल्स और ग्राम नेगेटिव सेल दोनों सेफ्रोनिन का कलर टेक कर लेते हैं और दोनों पिंक हो जाते हैं। यस सर, तो मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि सेफ्रोनिन हैज एबिलिटी टू स्टेन ऑल द टाइप्स ऑफ सेल्स, इसी वजह से हमने प्रोसीजर में हमने क्रिस्टल वायलेट को पहले यूज किया, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट हैज एबिलिटी टू स्ट्रेन ओनली द ग्राम पॉजिटिव सेल्स, और ग्राम पॉजिटिव सेल जब एक दफा स्ट्रेन हो जाएंगे तो फिर वो किसी दूसरे कलर से स्ट्रेन नहीं हो पाएंगे, तो फिर हम दूसरे टाइप्स को स्ट्रेन करेंगे जैसे डिफरेंशिएट करने के लिए, उसके बाद हम यूज करेंगे। हां, वी आर यूजिंग द अदर काउंटर स्ट्रेन। ठीक हो गया जी? ओके जी, यस। अगला है इसके अंदर, ये मेरे पास एक स्लाइड है, दैट स्लाइड विल इज द स्लाइड ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम स्टेनिंग की बड़ी परफेक्ट स्लाइड है। इसके अंदर अगर हम देखें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें कोकाई राउंड स्फेरिकल नजर आ रहे हैं, और जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे आर रॉड शेप्ड बैसिलस, एंड दिस इज वेरी परफेक्ट स्लाइड फॉर द ग्राम स्टेनिंग। ओके, मूविंग नेक्स्ट, देयर आर सम मिस्टेक्स हियर व्हिच आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हम कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल
बाद का था, हमें जब हम स्लाइड के नीचे देख रहे होते हैं तो हमें सारे सेल्स जो हैं वो पिंक नजर आ रहे होते हैं। बाद का हम जब देख रहे होते हैं तो हमें एक स्मियर का काफी जंबल अप, एक कंजेशन ऑफ सेल्स नजर आ रही होती है। तो कुछ हमारे पास मिस्टेक्स आती हैं, वो यहाँ पर मैंने लिस्ट की हैं। उसमें सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि जो काउंटर स्ट्रेन है, जो कि सेफ्रानिन है, ये सारे के सारे सेल्स को इक्वली स्ट्रेन करता है। जी अब अगर तो हमने स्टार्ट में क्रिस्टल वायलेट की एप्लीकेशन अच्छे तरीके से की है, तो उस तरह से फिर ये होगा कि हमारे पास अच्छी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी। अगर स्टार्ट में क्रिस्टल वायलेट प्रॉपरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्ट्रेन नहीं कर सका, तो फिर हमें सारे सेल्स जो है वो पिंक ही नजर आए। दूसरा इसके अंदर गलती हम ये करते हैं कि जब हम डिकोलराइजर यानी कि अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं वॉशिंग के लिए, तो हम अल्कोहल को ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि डिकोलराइजेशन प्रोलॉन्ग कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि अब डिकोलराइजेशन का पर्पज ये है कि चूंकि क्रिस्टल वायलेट ने पूरी स्लाइड को कलर कर दिया है, ग्राम पॉजिटिव को भी ग्राम नेगेटिव को भी, तो अल्कोहल ने एक्स्ट्रा क्रिस्टल वायलेट रिमूव करना है। अब ये जो एक्स्ट्रा क्रिस्टल वायलेट है ये रिमूव हो जाता है फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड फ्रॉम द स्लाइड, और सिर्फ रिटेन करता है ग्राम पॉजिटिव सेल्स के अंदर। लेकिन हम जब ज्यादा देर के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, तो अल्कोहल डिकोलराइजर जो है ये ग्राम पॉजिटिव में से भी निकाल लेगा क्रिस्टल वायलेट, ग्राम नेगेटिव में से भी क्रिस्टल वायलेट निकाल लेगा, और स्लाइड के बैकग्राउंड में से भी क्रिस्टल वायलेट निकाल लेगा। तो उसके रिजल्ट में जब हम काउंटर स्ट्रेन यूज करेंगे, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के अंदर क्रिस्टल वायलेट नहीं है, दोनों काउंटर स्ट्रेन से स्टेन हो जाएंगे और हमें दोनों पिंक कलर के नजर आएंगे। तो इस वजह से ज्यादा देर तक डिकोलराइजर इस्तेमाल नहीं करना, डिकोलराइजर सिर्फ प्रिस्क्राइब टाइम तक इस्तेमाल करना है, 45 सेकेंड या 30 सेकेंड तक, मैक्सिमम 1 मिनट तक हम जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाना। अब इससे क्या होगा, जब हम एक प्रिस्क्राइब टाइम तक यूज करेंगे डिकोलराइजर, तो डिकोलराइजर विल रिमूव द क्रिस्टल वायलेट स्ट्रेन ओनली फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव सेल्स, और ग्राम पॉजिटिव सेल के अंदर ये कलर रिटेन करेगा। ओके, अच्छा दूसरा इसके अंदर है द एज ऑफ कल्चर। जो 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 जिस कल्चर का हम ग्राम सेंड कर रहे हैं, इसकी एज भी बड़ा डिपेंड करती है। इफ वी आर टेकिंग द ओल्ड और एजड कल्चर, तो उसके एजड कल्चर की एबिलिटी कम होती चली जाती है क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन कॉम्प्लेक्स को रिटेन करने की। और इसी वजह से जो एजड कल्चर होता है, एजड कल्चर हमें सारे का सारा बाज़ूकार ग्राम नेगेटिव ही नजर आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स रिटेन नहीं हो पाता, और उस रिटेन ना होने की वजह से वो हमें ग्राम पॉजिटिव नजर ही नहीं आता। इट मींस दैट व्हेन वी हैव टू परफॉर्म द ग्राम स्टेनिंग, इट इज नेसेसरी टू टेक द कल्चर दैट इज लेस देन 24 आवर्स ओल्ड। अगर 24 आवर ओल्ड से ज्यादा कल्चर हम पुराना लेंगे, तो ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर नहीं होगी, हमें सारे के सारे सेल्स ग्राम नेगेटिव ही नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि एजिड कल्चर जो है वो क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन कॉम्प्लेक्स को रिटेन नहीं कर सकता। क्लियर? एनी क्वेश्चंस इन द ग्राम स्टेनिंग? यस हदीका, सर, ये जो सीवीआई कॉम्प्लेक्स आपने कहा है कि ये इस रिटेन रहता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, हाँ और ग्राम नेगेटिव में सेफ्रनिन जो है वो रिप्लेस कर देता है, तो ये कैसे होता है? हाँ ये होता कुछ इस तरह से है। अभी हमने ना सेल की स्ट्रक्चर भी पढ़नी, सेल वॉल की स्ट्रक्चर भी पढ़नी है, लेकिन पहले थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। लिपिड कंटेंट जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादा है। तो हम करते क्या है कि जब हम डिकलोराइजर यानी कि एथेनॉल यूज करते हैं, तो लिपिड जो है वो एथेनॉल के अंदर डिजोल्वेबल है। तो इसमें ग्राम नेगेटिव सेल्स की सेल वॉल के अंदर पोर साइज बड़ा हो जाता है। अब उस पोर साइज में से सीवीआई कॉम्प्लेक्स जो है वो रिलीज हो जाता है। अब ग्राम पॉजिटिव जो है उसके अंदर लिपिड कंटेंट कम है, तो इसमें ज्यादा बड़ा पोर साइज नहीं बन पाता, और सीवीआई कॉम्प्लेक्स जो है वो रिटेन रहता है। तो इस वजह से ग्राम पॉजिटिव के अंदर सीवीआई कॉम्प्लेक्स जब रिटेन रहता है, तो ये हमें पर्पल नजर आता है। ठीक है, अब जब ग्राम नेगेटिव में से सीवीआई कॉम्प्लेक्स रिमूव हो जाएगा, तो फिर हम उसको काउंटर स्टेन करेंगे, तो वो सेफ्रानिन के साथ स्टेन हो जाएगा। आई होप आई हैव क्लियर्ड माय थैंक यू पॉइंट। सर। यस यस सर। ओके गुड। तो ये दो काम हमने करने हैं, ज्यादा देर के लिए डिकलोराइजर यूज नहीं करना और एजिड कल्चर नहीं लेना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अगला है इसके अंदर एसिड फास्ट स्ट्रेन, द सेकंड स्ट्रेनिंग टेक्निक दैट इज हियर। एसिड फास्ट स्ट्रेन के बारे में हम बड़ा ब्रीफ सा पहले भी पढ़ चुके हैं। एसिड फास्ट स्ट्रेन इज देयर टू स्टेन द माइकोबैक्टीरियम जीनस। माइकोबैक्टीरियम जीनस के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो स्पीशीज हैं, उनको स्टेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड खास तौर पे क्योंकि माइकोबैक्टीरियम के अंदर माइकोलिक एसिड है, और एसिड फास्ट स्ट्रेन जो है ये बेसिकली हमें इसमें
जो जो रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं दे आर देयर टू स्ट्रेन द माइकोलिक एसिड कंटेंट. और माइकोबैक्टीरियम जीनस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट दो स्ट्रेन आते हैं. एक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज अ कॉजेटिव एजेंट फॉर द टीबी, एंड सेकंड वन इज द माइकोबैक्टीरियम लेप्री, दैट इज अ कॉजेटिव एजेंट फॉर द लेप्रोसी. ये लेप्रोसी कॉज करता है, ठीक है. और इनका सेल वॉल की जो इनकी सेल वॉल के अगर इन कंपोजिशन पे जाएं, माइकोबैक्टीरियम दे हैव हाई लिपिड कंटेंट और हाई लिपिड कंटेंट, और इसके साथ साथ माइकोलिक एसिड है, और इसकी वजह से ये जो ग्राम स्टेनिंग के स्टेन्स हैं ये प्रॉपरली इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते. इस वजह से वी हैव सम अदर स्टेन्स व्हिच वी कैन यूज टू स्टेन द माइकोबैक्टीरियम. और माइकोबैक्टीरियम के स्टेनिंग के लिए हम नॉर्मली कुछ हार्श मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं. हार्श मेथड का मतलब ये है कि हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं. फैट लो आलम है कि फायदा से हेलो बच्चा माइक म्यूट कर लें प्लीज. ओके हम सर लगे जाना लगा नहीं बच्चों माइक म्यूट कर लें सब लोग. क्या हो गया सर, आप इधर से ही कर दें. जरा ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, माइक म्यूट करने का. चले यानी खामोशी हो गई. ओके मैंने बताया कि एसिड फास्ट करने के लिए हम हार्श मेथड्स इस्तेमाल करते हैं. हार्श मेथड इस्तेमाल करने का मतलब ये कि हम हीटिंग करते हैं, बॉइलिंग बास्कट करते हैं, बिकॉज माइकोलिक एसिड थोड़ा सा हीट होता है. एक बात याद रखिएगा, एसिड फास्ट स्टेन में एक सेल अगर एक दफा स्टेन हो जाए तो वो बाद में डी स्टेन या डीकलोराइज नहीं होता. ग्राम स्टेनिंग के अंदर तो हमने पहले स्ट्रेन किया क्रिस्टल वायलेट के साथ, फिर हम उसको डिकलराइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता, ठीक है. एसर पास अब अभी देखते हैं एसर पास स्टेन का करने का प्रोसीजर. इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है ग्राम स्टेनिंग से. नॉर्मली हम करेंगे क्या कि वी विल टेक अ स्लाइड, उस स्लाइड को लेंगे और उस स्लाइड के ऊपर बिल्कुल उसी तरह से स्मेयर बनाएंगे जिस तरह हम स्मेयर बनाते हैं ग्राम स्टेनिंग के लिए. अच्छा, और जो इसके अंदर प्राइमरी स्टेन है एसर पास स्टेनिंग के अंदर, प्राइमरी स्टेन का नाम है कार्बल फुक्शन. कार्बल फुक्शन यहाँ पे लिखा हुआ, दिस वन कार्बल फुक्शन. ओके हम स्लाइड के ऊपर कार्बल फुक्शन डाल देंगे. कार्बल फुक्शन डालने के बाद क्या करेंगे कि इस स्लाइड को हीट करेंगे, जो हमारी स्लाइड है इसको हीट करेंगे. हीटिंग करने का तरीका यह है कि एक बीकर में पानी लेंगे, उस बीकर को रखेंगे हॉट प्लेट पे और उस बीकर के ऊपर अपनी स्लाइड रखेंगे. अब बीकर के अंदर से पानी गर्म होगा और गर्म होने के बाद वो स्टीम की सूरत में निकलेगा, एंड दैट स्टीम विल हीट द स्लाइड. और स्टीम जब स्लाइड को हीट करेगी तो उसके ऊपर जो कार्बन फंक्शन है ये जो है बैक्टीरियल सेल्स को स्टेन करेगा प्रॉपरली. ओके स्टेनिंग के बाद सेकंड स्टेप पे इसकी डिकोलराइजेशन. पर मैं पिछली स्लाइड में मैं बता के आया हूँ कि माइकोबैक्टीरियम सेल अगर एक दफा स्टेन हो जाएगा तो वो डिकोलराइज नहीं होगा. तो फिर हम डिकोलराइजर क्यों यूज कर रहे हैं? डिकोलराइजर हम यूज कर रहे हैं बाकी जो और सेल्स अगर मौजूद हैं वो डिकोलराइज हो जाएंगे. इसके अलावा अगर हमने सैंपल लिया है स्पूटम से, क्योंकि ये माइकोबैक्टीरिया में अगर टीबी का सैंपल है तो स्पूटम से होता है. स्पूटम समझते हैं ना? यस सर. यस स्पूटम इज खांसी के साथ जो बलगम आती है, दैट इज स्पूटम. तो अगर स्पूटम सैंपल लिया है तो स्पूटम सैंपल में और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और स्पूटम सैंपल में बॉडी टिश्यूज भी हो सकते हैं. तो हम डिकोलराइजर इस्तेमाल कर रहे हैं that will decolorize the tissue samples as well as other bacteria. और ये जो decolorizer है that cannot decolorize the mycobacterium. okay अच्छा उसके बाद ये जो decolorizer है इस केस में decolorizer में acid होता है और ethanol होता है. decolorizer में acid and ethanol. और ये acid और ethanol भी harsh condition देने के लिए है. और इसके अलावा हम बाद में काउंटर स्टेन यूज करते हैं, दैट इज मेथिलीन ब्लू. और मेथिलीन ब्लू जो है दैट हैज एबिलिटी टू स्ट्रेन द ये काउंटर स्टेन है जो कि बैकग्राउंड को स्टेन करती है, और अगर कोई दूसरे सेल्स मौजूद थे तो ये उनको भी स्टेन कर देगी मेथिलीन ब्लू. और मेथिलीन ब्लू से स्टेनिंग करने के बाद हम रिंस करते हैं ब्रीफली विद द वाटर, एंड वाटर से रिंसिंग के बाद हम उसको ड्राई करेंगे स्लाइड को, एंड नाउ वी कैन सी द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है, इसको एक दफा देख लें. इफ यू गाइस हैव एनी इशू यू कैन आस्क. सर वो स्पूटम सैंपल के केस की जो आपने बताई है एक बार रिपीट कर दें प्लीज. हाँ फिजान में कर देता हूँ स्पूटम सैंपल. अच्छा जी, इसमें रुबाब खालिद आपकी तरफ से स्क्रीन पे एनोटेशन आ रही है, प्लीज डोंट डू दैट.
अदरवाइज आई विल टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस. अच्छा जी, मैं बता रहा हूँ कि स्पूटम सैंपल, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के केस में हम लेते हैं सैंपल स्पूटम का और उसकी बनाते हैं स्लाइड. अच्छा, अब स्लाइड के अंदर हमें शक माइकोबैक्टीरियम का भी है, उसको हमने स्टेन करना है, उसके अलावा दूसरे बैक्टीरिया या टिश्यू सैंपल्स भी हो सकते हैं ना. अब इसी वजह से फिर कार्बल फंक्शन जो कि प्राइमरी स्टेन है, प्राइमरी स्टेन के बाद हम इसकी डिकलराइजेशन करते हैं. डिकलराइजेशन के लिए जो रेजेंट यूज करते हैं वो एसिड और अल्कोहल का कंपोजिशन. तो चूंकि माइकोबैक्टीरियम अगर एक दफा स्टेन हो जाएगा कार्बल फंक्शन से तो ये डिकलोराइज नहीं होता. अब डिकलोराइज क्या होंगे, जो दूसरे टिश्यू सैंपल उसके अंदर थे सैंपल में वो डिकलोराइज हो जाएंगे, या कोई अदर बैक्टीरिया थे तो वो डिकलोराइज हो जाएंगे. ओके ओके सर, ये बताना चाह रहा था. तो दिस इज द प्रोसीजर, दीज आर द सिक्स स्टेप्स. आगे इसके ना एक स्लाइड देखते हैं कि हमें नजर किस तरह का आता है. प्राइमरी स्टेन कार्बल फंक्शन है, एसिड अल्कोहल है, मेथिलीन ब्लू इसका जो है वो काउंटर स्टेन है, और इस तरह की हमें स्लाइड नजर आती है. दिस इज द स्लाइड बेसिकली. इस स्लाइड में मेथिलीन ब्लू हमने यूज किया जिसकी वजह से बैकग्राउंड जो है वो ब्लूइश नजर आएगा, और ये जो जिन दो सेल्स के अराउंड ये मैंने सर्कल किया है दिस वन, ये सेल्स बेसिकली ये सेल्स माइकोबैक्टीरियम के व्हिच आर लुकिंग द पिंकिश और द रेडिश द ब्लू बैकग्राउंड. अब अगर इन सेल्स को देखें जिसमें मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास पिंक नजर नहीं आ रहा, ये जो है ये पिंकिश नजर आ रहे हैं. पिंकिश ये नजर आ रहे हैं कार्बन फंक्शन के यूज की वजह से, एंड पिंकिश कार्बन फंक्शन जिन सेल्स ने अब्सॉर्ब किया है, दीज सेल्स आर फ्रॉम द माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज, माइकोबैक्टीरियम जीनस. ठीक है, तो हियर वी कैन आइडेंटिफाई द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सेल्स फ्रॉम द अदर सेल्स इन द सैंपल. ओके हो गया, दिस इज द एसिड फास्ट स्टेनन. ओके सर, ये स्पेसिफिक सेल्स कौन से होंगे एसिड फास्ट स्टेन में? वही तो बता रहा हूँ, माइकोबैक्टीरियम, ये माइकोबैक्टीरियम जीनस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्टेन होगा ना इसमें. जैसे सर ग्राम स्टेनिंग में हमने देखा था कि सेल वॉल के सेल्स यूज हो रहे थे ना, सेल वॉल के सेल्स नहीं, एक ही सेल है उसके अराउंड सेल वॉल है बेसिकली, वो ग्राम स्टेनिंग में था. इसमें माइकोबैक्टीरियम जीनस जो है वो स्टेन होता है, यानी कि वो सेल स्टेन हो रहे हैं जिनकी सेल वॉल कंपोजिशन में माइकोलिक एसिड ज्यादा है और लिपिड कंटेंट ज्यादा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम लैप्रे. ओके, तो एसिड फास्ट स्टेनिंग इज फॉर द सेल्स व्हिच आर हैविंग द माइकोलिक एसिड इन देयर सेल वॉल. ओके सर, और सर ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है ये सिर्फ ग्राम स्टेनिंग में यूज होंगे, मतलब इनके जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो सिर्फ ग्राम स्टेनिंग में करते हैं? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को इजीली आइडेंटिफाई करने का हमारे पास जो वे है दैट इज ग्राम स्टेनिंग. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अचानक से कहीं से आ गई हैं और क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, बातें डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है सर. हां नहीं, इट्स फाइन, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू मे आस्क, डोंट वरी. ओके चलें जी अगला. ओके, एसिड फास्ट स्टेनिंग के अंदर किसी को किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रिंसिपल समझ में ना आया, यू मे आस्क प्लीज. फिदा, अजीम, फिजान, हदीका, फायजा, उज्मा, एनीवन? इट्स फाइन सर, समझ आ रही है, डर आ गई इसमें. गुड गुड, चलें आगे चलने लगे हैं. दैट इज एन अदर स्टेन व्हिच इज कॉल्ड अ कैप्सूल स्टेन. अच्छा, यहां पे ना कुछ स्पेसिफिक स्टेन शुरू हो जाएंगे. पहले जो ग्राम स्टेनिंग थी ये डिफरेंशियल स्टेनिंग थी, एसिड फास्ट स्टेनिंग भी हम डिफरेंशियल कह सकते हैं, पे माइकोबैक्टीरियम से डिफरेंशिएट करती है. आगे जो स्टेन इस्तेमाल हो रहे हैं ना ये स्पेसिफिक स्टेन है, ये सेल के एक स्पेसिफिक पार्ट को स्टेन करेंगे. जैसे कि कैप्सूल स्टेन है दैट विल ओनली स्टेन द कैप्सूल ऑफ द सेल. ये कैप्सूल क्या होता है जी, सेल कैप्सूल, व्हेन बैक्टीरियल सेल फॉर्म द कैप्सूल्स. कैप्सूल क्या सर? वो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है बैक्टीरियल सेल्स. यस यू आर राइट, बैक्टीरियल सेल्स जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है टू कैटर द अनफेवरेबल कंडीशंस, एंड दिस इज द कैप्सूल. और कैप्सूल फॉर्मेशन जो है ये सारे सेल नहीं बनाते, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम स्पेसिफिक स्पीशीज. और हम कैप्सूल सेल्स की को फाइंड करने के लिए कैप्सूल्स की स्टेनिंग कर सकते हैं. तो कैप्सूल जो बना होता है उसकी स्टेनिंग, इसमें कैप्सूल स्टेनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है. इसमें हमें समेयर बनाने की जरूरत नहीं होती, और इसमें हम
प्रिंसिपल यूज करते हैं नेगेटिव स्टेनिंग का. ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नेगेटिव स्टेनिंग से मुराद ये है कि हम बैकग्राउंड को स्टेन कर रहे होते हैं. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्टेनिंग. हम सेल्स को स्टेन नहीं करते हैं, बैकग्राउंड को स्टेन करते हैं और दिस इज नेगेटिव स्टेनिंग. और इसमें जब हम बैकग्राउंड को स्टेन करेंगे तो हमें कैप्सूल जो है वो हॉलो कलर का नजर हॉलो नजर आएगा. हॉलो कैसे, मैं पहले आपको अगर पिक्चर दिखा दूं, हॉलो नजर आएगा हमें कैप्सूल. हियर दिस इज द पिक्चर, हियर यू कैन सी. अगर आप लेफ्ट साइड वाली पिक्चर देखें जिसमें मैं कर्सर चला रहा हूँ, दिस इज ये हॉलो नजर आ रहा है. दिस इज अ यीस्ट सेल बेसिकली. ये यीस्ट सेल है जिसके अराउंड कैप्सूल बना हुआ है, ये इनकैप्सुलेटेड यीस्ट है. तो इसके ये जो हॉलो एक इसके अराउंड सर्कल नजर आ रहे हैं, दिस इज द कैप्सूल. और इसी तरह अगर आप राइट साइड वाली स्लाइड पे आए तो राइट साइड वाली स्लाइड पे लेबल हुआ है, ये जो पर्पल है दीज आर द बैक्टीरिया. दे हैव रिसीव्ड अ मैसेज. सर मोकल का नेट प्रॉब्लम है, वो कह रहा है मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा. नहीं बच्चे उसे बता देंगे उसकी एब्सेंट मार्क होगी. अच्छा जी, ये बैक्टीरियल सेल लेबल्ड है और बैक्टीरियल सेल के अराउंड कैप्सूल बने. कैप्सूल, अच्छा तो कैप्सूल आप देखें हमें हॉलो नजर आ रहे हैं, हॉलो. तो ये जो हमारे पास कैप्सूल स्टेनिंग का प्रोसीजर है, कैप्सूल स्टेनिंग का प्रोसीजर, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव स्टेनिंग प्रोसीजर. एंड इसमें हम बैकग्राउंड को कलर करते हैं, हम सेल को कलर नहीं करते. इसका प्रोसीजर क्या है कि इसमें हम स्मेयर नहीं बनाते. हमने क्या करना है कि सैंपल का एक ड्रॉप लेना है, उसको स्लाइड पर रखना है, जिस तरह हम उसमें हैंगिंग ड्रॉप में और वेट माउंट में किया करते थे. उसको स्लाइड पर रखेंगे, स्लाइड पर रखने के बाद उस ड्रॉप के साथ एक दूसरा ड्रॉप लगा देंगे स्टेन का. और इसमें हम स्टेन यूज करते हैं इंडिया इंक. स्टेन का नाम है इंडिया इंक, ठीक है. इंडिया इंक का एक ड्रॉप और उसके साथ हम ड्रॉप लगा देंगे सैंपल का, और इन दोनों ड्रॉप्स के ऊपर कवर स्लाइड रख देंगे. और ये जो जब ऊपर कवर स्लाइड रखेंगे तो ये दोनों ड्रॉप्स जो है ये मिक्स हो जाएंगे. ओके, मिक्स हो जाएंगे. और फिर हम इनको क्या करेंगे, सिंपली माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेंगे. ओके, हियर ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये जो राइट साइड वाली स्लाइड है, दिस इज वेरी परफेक्ट स्लाइड. ये बड़ी खूबसूरत स्लाइड है कैप्सूल को देखने के लिए. इसमें हमारे पास बैकग्राउंड को हमने कलर दिया इंडिया इंक के साथ, और हमारे पास जो ऑलरेडी बैक्टीरिया थे वो. अच्छा, अब इसमें ना दो प्रोसीजर हैं. एक प्रोसीजर तो जो मैं आपको अभी मैंने बताया कि दिस इज वेरी सिंपल, इसमें हमें सेल्स जो है वो नजर आ जाएंगे. और इसमें हमें सेल्स अगर यीस्ट सेल है तो इस तरह नजर आ जाएंगे लाइक दिस, और अगर बैक्टीरियल सेल है तो इस तरह नजर आ जाएंगे. अच्छा, अब इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी हम अगर देखें तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि पहले हम बैक्टीरियल सेल को स्ट्रेन करें. जैसा कि अगर इस स्लाइड में आप देखें तो इसमें मैंने बैक्टीरियल सेल को पहले क्रिस्टल वायलेट के साथ स्ट्रेन किया. पहले बैक्टीरियल सेल को स्ट्रेन करें और फिर उसके बाद हम कैप्सूल स्टेनिंग करें. तो दो प्रोसीजर, एक प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि हम ड्रॉप ऑफ सैंपल लेते हैं और उसके साथ डाई का ड्रॉप डाल देते हैं, ऊपर कवर स्लिप डाल देते हैं, तो हमें स्लाइड जो है वो इस तरह की नजर आती है, ये जो लेफ्ट साइड पर दिखाई हुई है आपको. दूसरा यह कि पहले बैक्टीरियल सेल को स्टेन करें, जिस तरह की राइट साइड पर बैक्टीरियल सेल जो है पर्पल कलर का नजर आ रहा है और उसके अराउंड जो कैप्सूल है ये हमें ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है. तो ये दूसरा तरीका है. इसका प्रोसीजर अब आगे देखते हैं. करना क्या है कि बिल्कुल उसी तरह से एक सैंपल लेना है, और सैंपल लेने के बाद हमने उसको जनाब उसका स्मेयर बनाना है. स्मेयर बनाने के बाद उसको हीट फिक्स करना है, और हीट फिक्स करने के बाद हम उसको सिंपली क्या करेंगे कि क्रिस्टल वायलेट के साथ उसको फ्लड कर देंगे. क्रिस्टल वायलेट जो है इसमें सेल्स जो हैं सेल्स विल अब्सॉर्ब द क्रिस्टल वायलेट. अच्छा, आप इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसका जो सैंपल बनाना है, यानी जो स्मेयर बनाना है, वो वाटर में नहीं बनाना, स्मेयर बनाना है इंडिया इंक के अंदर. शेर अली माइक ऑफ करो. ओके, शेर अली अपना माइक ऑफ करो बच्चे. आप खुद को म्यूट कर देना. अच्छा जी, अब आगे इसको मैं डिस्कस कर रहा था. बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम स्मेयर बनाते हैं, इसका इस प्रोसीजर में हमने करना क्या है कि हम स्मेयर बना रहे हैं ताकि हम कैप्सूल देख सकें. और कैप्सूल देखने के लिए मैंने बताया कि हम डाई यूज करते हैं, उसका नाम है इंडिया पिंक इंडिया इंक डाई, सॉरी. अच्छा, अब इसमें बैक्टीरिया को स्टेन करेंगे क्रिस्टल वायलेट के साथ ताकि वो हमें पर्पलिश नजर आए,
और बैकग्राउंड हम स्टेन करेंगे इंडिया इंक के साथ ताकि उसके उसके बैकग्राउंड के फ्रंट में हमें कैप्सूल नजर आ जाए. तो हम इसमें अब सेल्स का स्मेयर बनाएंगे इंडिया इंक डाई के अंदर. ग्राम स्टेनिंग में हम स्मेयर बनाते थे वाटर के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम इंडिया इंक के अंदर स्मेयर बनाएंगे. स्मेयर को उसी तरह ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद स्मेयर को क्रिस्टल वायलेट के साथ स्टेन कर देंगे, उसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद ड्राई करेंगे और फिर हम स्लाइड को अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे. स्लाइड जो है हमें वो इस तरह की नजर आएगी. हदीका एक मिनट में क्वेश्चन लेता हूँ आपकी. तो हमें स्लाइड इस तरह की नजर आएगी जिसमें सेल जो है वो क्रिस्टल वायलेट का कलर ले चुके होंगे और जो बैकग्राउंड है वो इंडिया इंक की वजह से पिंक नजर आएगा और जो कैप्सूल है वो हमें हॉलो नजर आएंगे इस तरह से. यस हदीका प्लीज आस्क अ क्वेश्चन. एक मिनट ठहरेगा सर. फिर इस मेथड से जो हमने स्टेनिंग किए तो फिर वो तो सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव नहीं होंगे क्योंकि हमने सेफ्रन तो यूज ही नहीं किया. सारे ग्राम देखिए हम ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे यहां पे. तो हमने हम सिर्फ बेसिक पर्पस ये है कि बैक्टीरियल सेल्स जो है वो कलर ले लें और वो बैक्टीरियल सेल कलर ले लेंगे क्रिस्टल वायलेट का और हम उसको कैप्सूल से डिफरेंशिएट कर लेंगे इजीली. वजह रीजन ये है. लेकिन अगर जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव हुआ तो फिर वो तो नहीं ना स्टेन होगा. देखें स्टार्ट में ग्राम नेगेटिव जो है वो भी क्रिस्टल वायलेट अब्सॉर्ब करता है, लेकिन जब हम डिकलोराइज करते हैं तो वो रिमूव कर देते हैं. तो यहाँ पे हम डिकलोराइजर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस वजह से स्टार्ट में उसने क्रिस्टल वायलेट ले लिया है, उसको रिमूव नहीं कर पा रहा. ओके यस सर. ओके अजीम सर, ये इंडिया इंक सर वो रेगुलर इंक नहीं होती सर हम जो रोज यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम वो यूज करते हैं. वो जो रेड कलर की इंक आया करती थी ना पहले पेन के लिए आती थी जो, उसको भी इस्तेमाल करते हैं पेन के लिए जो इंक आया करती थी इंडिया. ओके गुड, दिस इज द प्रोसीजर. दीज आर द सिक्स स्टेप्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कैप्सूल स्टेनिंग. आई होप आई हैव क्लियर माय पॉइंट. इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क अगेन एंड अगेन. आई हैव एबिलिटी टू रिपीट अगेन एंड अगेन. चलें जी आगे इसमें एंडोस्पोर्स स्टेनिंग पढ़ते हैं जी. एंडोस्पोर्स स्टेनिंग, व्हाट आर द एंडोस्पोर्स? रबिया रबिया एंडोस्पोर्स क्या होते हैं सर? ये वो स्पेशलाइज्ड टाइप की जो सेल्स होते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स. एंडोस्पोर्स आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर हीट रेजिस्टेंट एंड दे नॉर्मली सेल्स फॉर्म द एंडोस्पोर्स व्हेन दे आर unfavorable conditions etc etc. endospores ko hum okay endospores ko bhi hum stain kar sakte hain. kis tarah se yahan pe main aapko batane laga hu. Endospores is a heat resistant that can be of the destruction aur iski hum staining kaise karenge. Endospores jo hai ye gram staining se to stain hota nahi hai, yahi iski khoobi hai. हम सेल्स को सिंपली स्टेन करते हैं ग्राम से उसके ग्राम स्टेन्स के साथ, सेल स्टेन हो जाता है, एंडोस्पोर स्टेन नहीं होता. हमें विद इन सेल एक हॉलो स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि ग्राम्स जो कि एंडोस्पोर की निशानी है कि बाकी सेल जो है वो ग्राम स्टेन्स से स्टेन हो गया और हमें पर्पल नजर आ रहा है और सेल के अंदर हमें स्पोर नजर आ रहा है जो कि स्टेन नहीं हुआ, वो हमें हॉलो और वाइट या ट्रांसपेरेंट. ओके जी, हियर इन द फिगर यू कैन सी वेरी इजीली मैंने एंडोस्पोर्स को लेबल किया है एरोज के साथ. दीज आर विद इन द सेल्स और ये बड़े कॉमनली देखे जा सकते हैं. ओके सर, ये नॉन लिविंग तो होते नहीं है, जैसे कि ये बाय प्रोडक्ट होते हैं, तो सर हम इसमें अल्ट्रावायलेट तो यूज कर सकते हैं ना सर? मैं समझा नहीं अजीम, क्वेश्चन नहीं समझा. क्वेश्चन ये है कि सर एंडोस्पोर्स नॉन लिविंग तो होते हैं ना सर, बैक्टीरिया के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं सर, तो इनको हम अल्ट्रावायलेट सर यूज कर सकते हैं इस पे? हां वी कैन यूज, लेकिन अजीम थोड़ा सा देखो एंडोस्पोर्स जो है ना ये प्रोडक्ट नहीं है बैक्टीरिया की ना. बेसिकली बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया वेजिटेटिव सेल है जो कि रैपिडली ग्रो कर रहा है. अब जब वो फील करता है कि कंडीशंस आर अनफेवरेबल तो वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बना देता है सेल के इनसाइड पे जो कि एंडोस्पोर, हम उसको स्पोर कहते हैं, दैट हैज एबिलिटी टू बियर द हार्श कंडीशंस. अच्छा तो ये सेल के अंदर ही हो समटाइम, जैसा ये नजर आ रहा है एंडो है ना, एंडो है ये सेल के अंदर ही. तो इस वजह से समटाइम्स वी डोंट प्रेफर टू यूज द यूवी लाइट्स एटसेट्रा. तुम क्यों यूवी यूज करना चाह रहे हो, बात समझा? यूवी ये कि सर एक तरह से वो हाईली रेजिस्टेंट हो गया और नॉन रिप्रोडक्टिव है सर,
नॉन रिप्रोडक्टिव है और काफी हद तक सर मूव भी नहीं करता सर, और ये एक तरह से डेथ डेडली डेथ कंसीडर होती है सर बैक्टीरिया की. ओके, इसी वजह नहीं मैं इसको एंडोस्पोर स्टेनिंग के साथ यूवी को मैं रिलेट नहीं कर पा रहा क्वेश्चन तुम्हारा, तो सॉरी अगर मैं क्वेश्चन नहीं समझ रहा तो मुझे जरा डिफरेंट तरीके से समझा दो. सर ऐसे है ना कि सर काफी बैक्टीरिया जो होते हैं ना सर वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, तो जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं सर वो एंडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन पे हम यूवी लाइट्स नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन जब वो एंडोस्पोर की फॉर्म होते हैं तब हम कर सकते हैं सर. ये मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि हमारी एंडोस्पोर स्टेनिंग के साथ ये यूवी लाइट का चक्कर क्या है, बिकॉज़ हम इस स्टेनिंग के अंदर यूवी लाइट यूज नहीं कर रहे ना, इसके अंदर तो हम सिर्फ ग्राम स्टेन यानी कि क्रिस्टल वायलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सेल को स्टेन कर रहा है और एंडोस्पोर स्टेन नहीं हो पा रहा. हाँ अब अगर तुम यूं इनडायरेक्ट बात पूछना चाह रहे हो, अगर जो जो एंडोस्पोर सेल्स हैं दे आर रेजिस्टेंट टू द हीट नॉर्मली, ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं अगर ये कंसिडर किया जाए. Somehow endospores can be destructed by the use of UV lights. Somehow, जो endospores हैं इनकी destruction हो जाती है spores की UV lights से. In some conditions, ये जो endospores हैं, they are resistant. Yes, they are resistant, but to the heat specifically. ये heat resistant है specifically. Okay. Fine sir, समझ आ गई sir. Okay good. लेकिन मुझे अभी तक तुम्हारा सवाल समझ नहीं आया. चलें अगला है इसमें. Yes. ये एसिड फास्ट स्टेनिंग के कुछ बेसिकली इसमें उस टाइम पे जो ठहरिएगा इसको अगर मैं ओमिट कर दूं सिंपली यहां से स्क्रीन शेयरिंग मैंने थोड़ी देर के लिए खत्म की है, जरा मुझे एक दफा दे. अगर ये मैं स्लाइड स्किप कर दूं दिस कुड बी बेटर बिकॉज़ दैट मे कॉज कंफ्यूजन. सर अटेंडेंस ले लें. टाइम हो गया. हु इज सेइंग फॉर द अटेंडेंस मुझे बताएं सर कौन है. अब पता है टीचर को क्लास में ये कहना कि अटेंडेंस ले लें, टाइम हो गया है. अजीम है सर, ये बैड मैनर्स में आता है अजीम. डोंट डू दैट नेक्स्ट टाइम. ना आपने कहीं जाना है ना मैंने कहीं जाना है, घरों पे बैठे हुए हैं, पढ़ते हैं बस, पढ़ी जाते हैं. अच्छा ये बेसिकली मेरे पास एक स्लाइड है, ये स्लाइड थोड़ी सीक्वेंस ये गलत जगह पे आ गई है, इसको मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए था एसिड फास्ट स्टेनिंग के साथ ना. तो ये उसका प्रोसीजर है, तो ये इसको फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देता हूँ. एसिड फास्ट स्टेनिंग के साथ ये जो स्लाइड है इसकी मैं देखा हूँ सीक्वेंस थोड़ी सी गलत जगह पे आ गई है दो स्लाइड्स की. ओके अच्छा आज की क्लास में क्विज काफी टाइम ले गया, अगली क्लास में फिर क्विज होगा और वो ग्रेडेड क्वेश्चन होगा एंड उसके अंदर भी इसी तरह से नेक्स्ट सीजन होगी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज. वो क्वेश्चन जो है वो 8:05 पे आपको अवेलेबल होगा, 8:25 पे वो डिसेबल हो जाएगा और उसको सॉल्व करने का टाइम 7 या 6 होगा. मैं पहले खुद सॉल्व करके देखूंगा कि मैं खुद कितनी देर में टाइप वगैरह कर सकता हूँ. अगर मैंने 6 में कर लिया तो मैं आपको 7 दे दूंगा. सर कम से कम 2 तो एक्स्ट्रा देना सर. नहीं बिकॉज़ सर आपकी कैपेबिलिटीज और हमारी कैपेबिलिटीज सेम तो नहीं है ना सर. नहीं सिद्धांत ये कोई इतनी टॉप कैपेबिलिटीज की बात नहीं हो रही,